हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, बढ़िया है। तो सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तानी विजिटिंग काना प्लेस न्यू दिल्ली इंडिया ट्रैवल। ये कहाँ पे चले नॉट गए? प्लेसेस न्यू मोशी दिल्ली भाई। इंडियन ट्रैवल मोशी भाई का ओके, चले। खाना ये कौन सा है भाई? ये उनकी बहुत ना फेमस जगह है। चलो देख लेते हैं। चले दीदी। ये देखो भाई, टॉम जेरी, मैसी, रॉबिन विलियम, केसरी पिस्ता, बड़ा फेमस शेक है यार। एक पनीर कुलचा देना भाई। चांदनी बेस्ट होने वाला है। शाम को ये जगह नहीं होगी यहाँ। ये भाई क्या हो रहा है? लेकिन भाई इनका किराया ही कोई 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख होगा। ये तो भाई भैया बीच में ही आ गए। स्टाइल भाई का पूरा है। तो आपको पता नहीं मिले ना मिले, मुझे गिफ्ट मिल गया यार। ये तो कमाल हो गया है। महाराणा प्रताप के बंसल के जैसे। ये बॉम्बे टाइम क्या विराट। वैसे गाइस, गुड़ वाली चाय कभी पी? गुड़ वाली चाय तो बड़ी चस से यार, मजा आ गया एक चुस्की थी। आज मोची भाई खाएंगे, हम भी साथ पिएंगे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए, फिट फाट हो गए भाई। वो पुरानी दिल्ली में घूम घूम के मैंने कहा यार अब नई दिल्ली चलते हैं, वहाँ तो सारी गलियाँ देखनी है। ये जगह जो भी दिल्ली रहते हैं वो सब जानते हैं अच्छी तरह। ये है द वन एंड ओनली कनॉट प्लेस CP। तो भाई ये बड़ा पॉश एरिया है, तकरीबन हर तरह के ब्रांड है, हर तरह के खाबे शाबे की चीजें हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही स्टारबक्स मौजूद है, स्टारबक्स कॉफी, क्या बात है। तो दिल्ली की स्टारबक्स कॉफी भी ट्राई करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा विजिट करते हैं, अभी थोड़ा क्वाइट है। शाम को आप यकीन करें इस जगह पे चलने की जगह नहीं होती। तो मैं सुबह आ गए हूँ, तो देखते हैं हम यहाँ चक्कर लगाएंगे, CP की सैर करेंगे, फिर एंड में खाएंगे कि क्या सीन है। आ जाए मेरे साथ। ये बेसिकली ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिश टाइम की। आ जाए यार। वैसे उस्मान भाई का पॉइंट है ना कि जैकेट भाई ने पहनी हुई है। इंडिया में सर्दी है। ये रिकॉर्डिंग इन्होंने कहीं जनवरी फरवरी में की है शायद। हाँ। अभी अभी लॉक की बारी आई है, इतना पीछे है हम। कितने हम लोग नहीं, हम नहीं कि मतलब उनके पास इतना वो है मटेरियल है, वो इतना ज्यादा बना चुके हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, ये राउंड है तो इनर सर्कल आउटर सर्कल, तो हम आ गए हैं इनर सर्कल में। सेंटर पार्क है, वहाँ भी जाएंगे सैर कराएंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही पॉश एरिया है। लेकिन यहाँ पे छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी मोबाइल की, आपको देख सकते हैं। तो हालांकि अभी सुबह का टाइम है लेकिन लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, तो एक पानी की बोतल भी पकड़ लेते हैं। कितने की भैया? छोटी वाली। तो भाई जा रहे हैं कनॉट प्लेस में, बड़ा मजा आ रहा है, साथ साथ सैरें कर रहे हैं, क्या बात है। काफी दुकानें थोड़ी बंद हैं अभी, लेकिन खुल ऑलमोस्ट 90% मार्केट खुल गई है यार। टेट यार क्या फेमस चीज क्या है यार? हमजा भाई कल्टी हो गए, सही बताया भाई। हमजा भाई थैंक यू, दिल्ली गई है? दिल्ली गई है हमजा भाई, फिर भी पहली दफा आए। वर्थ इट है, 60 रुपए का है, पूरा कुलचा है, पूरा काट के देते हैं, आधा चीज, पनीर, टमाटो, प्याज सब भरा हुआ है अंदर, अच्छा है। अच्छा भाई, ऐसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक बने हुए हैं। ये पूमा की शर्टें हैं, वो हुडी है। इतने का भैया 650 यार, प्राइस बहुत अच्छी है यार। पूमा की तो नहीं होगी लेकिन वो कहते हैं असली है, कह रहा चेक कर लो, असली असली है भैया। अरे वो नहीं नहीं सही कह रहा है, कॉपी लेकिन अच्छी वाली है, वो हंस रहे। असली कितने का है? पटरी, इसको पटरी, अच्छा इसको पटरी बोलते हैं, पटरी वो ट्रेन की भी होती है ना। हाँ रेल की होती है। अच्छा यहाँ पे भाई ये जो लोकल दुकान है उसको पटरी कह रहे हैं। ये क्या है? ये देखो ये भाई क्या हो रहा है? कूपन कितने का? क्या बोल यार, वो एक्सेंट जो है ना गोरों वाला है, भैया का समझ नहीं आ रहा। बर्गर क्लब चल रहा है। आर यू ऑनर ऑफ द बर्गर क्लब? सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, ये होता है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। सड़क पे खड़े होके लोगों को इनवाइट, ये नहीं है ऑफिस में बैठ के फोन कर दिया, वो कर दिया है ना। क्या नाम है भैया? माय नेम इज राघव। राघव भाई ठीक है, कितने का ये मील? भाई द बर्गर क्लब जो भी आए 99 का मील, और क्या दे रहे हैं आप? ये 20% राघव भाई ऑफ, 20% नाउ ओपन राघव भाई ऑफ। ठीक है भाई, थैंक यू राघव भाई। वो कह रहे हैं हे ब्रो व्हाट्स अप ब्रो, ये वाला है ये स्टाइल देख रहे, थोड़ा सा ये भी होगा, चेन चेन होनी चाहिए। ये थैंक यू भैया। कनॉट प्लेस का वटा बर्गर, क्या बात है, वटा बर्गर हॉटस्पॉट। तो सैर हो रही है भैया कनॉट, ये क्या ब्रिटिश टाइप की आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, क्या बात है। अमित जी
कई छोटी छोटी भी शॉप्स हैं, लेकिन वो अंदर तक बहुत लंबी है। यहाँ से एंट्रेंस ये अंदर तक लंबी है, लेकिन भाई इनका किराया ही कोई 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख होगा जिस जगह पे। ये हम एक ओपन सेक्शन में आ गए, फायर पान में मुंह जल जाता है, फायर पान। तो भाई पूरा एक चक्कर काटेंगे हम इनर सर्कल का पूरा। ये देखो यहाँ गाड़ी नहीं रुकती, ये देखो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बस एक धोखा है आंखों का। ये देखें तो बीच में से देखें वो बाइक वाला हुम करके निकल गया और वो क्रॉस कर रहे थे, तो ऐसा कोई सीन। ये तो भाई भैया बीच में ही आ गए, हमारे भैया तो रोड पे ही रही है। ये देखो ये सही है भाई, यहाँ पे लिटरली यहाँ से बाइक निकाल के भैया। तो अगर आपको सड़क पे जगह ना मिले तो आप यहाँ आ सकते हैं आराम से। तो भाई सैर कर रहे हैं रीबॉक के, यार तीसरा चौथा स्टोर है ये देखो। यार ये पानी कौन सा है? नहीं सोडे में पानी तो डलता है ना, क्या डलता है? आइस नहीं, आइस बिस्लरी वाटर है इसमें। अच्छा अच्छा कंपनी वाला है, फिर तो ठीक होगा ना। अच्छा वो देखा सुए से कैसे खोला है। ओए होए 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 या क्या बात। ये देखो भैया बस बन गया, नींबू भी डाल दिया। स्ट्रॉ नहीं है तो भाई उसने कहा पैप नहीं है यार, वो रखना चाहिए वैसे है। अगली दफा 40 का भैया यार है तो अच्छा वैसे, सही है भैया, लेकिन वो पैप होना चाहिए। ये मैंने वहां सुना था पैप, यहाँ पे भी कोई कह रहा है पैप या पाइप कह रहे हैं, पैप कहते हैं तो यार ऐसे इनके कार्ड्स जगह जगह लगे हुए हैं सीपी में। अच्छा है वैसे 40 रुपए का है, पानी भी है। अच्छा भाई की जो वीडियो है मछली भाई की, तो भाई ये ब्लॉक ई में एंटर होने लगे हैं हम। ये मतलब खाने या पीने के लिए होना चाहिए, बहुत महंगी घड़ियां, घड़ियों का बिल्कुल शौक नहीं है भैया। यार ये हर जगह ये पॉलिश वाले बैठे हुए, पहले लाजमी पैसे तय करने हैं। 450 सस्ता वाला नहीं है ये, इससे सस्ता चाहिए। ऐसी तस्वीर की जाए मजा आया है ना। आप पहले भाई ने स्टाइल स्टाइल भाई का पूरा है। क्या नाम है भैया? आकाश। आकाश यार ये मुझे चाहिए तो नहीं लेकिन मैं ले लूंगा, कितने की है सही बताओ। ले लो कम दे देना सर, मुझे ये बताएं 200 रुपए है लेने यार, क्योंकि लेना नहीं है मुझे। कवर ले लो आप, कवर रहने दो अब, ठीक है कवर रहने दो। 90 का कवर है ना, कितने का बोला था आपने? ये कितने का बोला था? वो तो खत्म हो गया ना, 350 का बोला ना, 90 का कवर निकाल दिया, रह गया 260 का, तो 60 रुपए छोड़ दो यार। 250 दे देना। शीशा है? है तो शीशा दिखाओ यार, शीशा देखते हैं आकाश भाई के साथ है? फोन सेल्फी 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 कह रहे हैं, सही है। आकाश भाई रेट सही लगाते हैं जब भी हैं, अगर भी 500 है। वैसे मुझे नहीं पता उधर का, लेकिन इधर हमारे जो पठान लोग हैं ना उनसे वो मोस्टली है ना जो चश्मे सेल करते हैं वही करते हैं, वही करते हैं बिल्कुल। तो पठान जो है वो लगा के खड़े होते हैं ऐसे ही चश्मे जो है, उनसे पूछो खान साहब कितने का है, 1200 रुपए का। तो जब बहस करते करते वही वो 70 रुपए में देके चले जाते हैं। 300 बड़े मिल गए, 200 मिल गए आकाश भाई। भैया भैया कवर ले लो आप, कवर रखो, गिफ्ट, ये गिफ्ट है, थैंक यू सर। एक गले मिल गए, थैंक यू। तो आकाश भाई की वजह से हमने ले लिया भाई, जब भी सीपी आए आकाश भाई को देखे तो आकाश भाई रेट सही लगाना है, सही है वैसे इसका, सही है 200 से कम क्या हुआ यार, और ये भी फ्री गिफ्ट। तो आपको पता नहीं मिले ना मिले, मुझे गिफ्ट मिल गया यार। वो ना अलग पहन के स्टाइल ही अलग आ जाता है भाई। बंदे का ना कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो जाता है। ये देखो ये क्या है, ये मैंने कहीं और भी देखे थे, उनकी प्राइस पूछते हैं। ये देखो भाई टॉम एंड जेरी मैसी मिलता भी है। हाँ भैया कितने का है? 350 रुपीज से ले, बहुत अच्छा यार, काफी सारे इनके पास पड़े हैं। 300 का दे देंगे भैया बोल रहे हैं। लूफी लूफी भी 350 तो गाड़ी में रखने के लिए ना। ये यार डरा दिया वे, 750 क्या करेक्टर है, कार्टून करेक्टर है, एनिमेटर है भाई। ये भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम बताया है कि लूकी पे कार्टून है एनिमेटर। ये आई भैया ये वाला तीनों लूफी, तो भैया जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताए, भैया ने मुझे बताया लूफी के करेक्टर है, मुझे नहीं पता था। स्पाइडरमैन का पता है, इनका पता है, इनका पता है, इनका नहीं पता ये कौन। थैंक यू भैया। भैया एक और जा रहे हैं, एक और उसमें एंटर होने लगे हैं, तो इस तरह थोड़ी देर बाद ये गैप आ जाता है और फिर आप एक और सेंटर में चले जाते हैं। यहाँ पे पिलर्स ही पिलर्स, लेकिन ये है कि बड़ा मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने, कलर शलर वाइट किया हुआ है ये देखें क्या बात। और नीचे ऐसी दुकान, नो स्मोकिंग जोन,
यार एक बंदे की चेक करो भाई, मूछे इनकी मूछे बड़ी ही यूनिक है। सत श्री अकाल सलाम भैया, यार ये तो कमाल हो गया है, मूछे है दाढ़ी है, ये जो आप सब समझ गए, आपका समझ में क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताएं, इनाम मिलेगा, ये मूछे है दाढ़ी है, लोग अब आपसे आके पूछेंगे कि भैया ये आपको क्या लगता है। चले हम तो गैस करेंगे, क्या लगता है आप बताइए ना आपको। भाई अगर आप साइड पे देख रहे हैं तो पूछे हैं, मेरी तरफ देखते तो दाढ़ी होती, अब पूछे हैं, अब दाढ़ी है, ऐसे ही है भैया। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय सिंह, वीडियो बना रहे हैं हम, समझ रहे हैं वीडियो बन रहा है। हाँ हाँ, मेरा नाम अजय सिंह है, अजय सिंह, महाराणा प्रताप के वंशज अजय सिंह राजपूत बोल रहे हैं, ठीक है भाई। वो गरज ब्रश ये होता है, लेकिन ये जितने ऊपर से टफ दिख रहे हैं उतने ही अंदर से ये स्ट्रॉन्ग अंदर से है, ये स्माइल तो है, स्माइल तो है, क्यों नहीं है स्माइल। थैंक यू सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। आ जाए तो भाई एक और हम वो सर्कल जो है ना, मैं बार बार ब्रेक आती है, देखें इस तरह ओपन एरिया आ जाता है, ये देखें फिर हम उस तरह उस अंदर चले जाते हैं, और सामने भी एक जगह बनी हुई है, ये देखें इसके अंदर चले जाते हैं, इसके यहाँ पे ये रहा। अब हम एफ ब्लॉक में आ गए हैं, ये रहा एफ ब्लॉक, तो देखते हैं भाई एफ ब्लॉक में क्या है। तो यार अगर सी पी घूमना है तो आपको पूरा दिन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक आध घंटे के लिए आएँ और चले जाएँ। क्या बात, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, ये देखें रेस्टोरेंट, क्या बात। अबे बॉम्बे डाइन भी देखा था मैंने, बॉम्बे डाइन, अबे विराट कोहली को अमेरिकन टूरिस्ट, हाँ हाँ हाँ, ये बॉम्बे डाइन यहाँ विराट कोहली, क्या बात है भाई, सैर हो रही है। फिर ना कहना कि नॉर्थ प्लेस दिखाया नहीं आपने, और कोई यहाँ करेक्टर बड़े हैं, हर तरह का करेक्टर मिलेगा आपको। तो वो ये सारा बीच में इनके पार्क है, देखें ये वो गुलाई आपको नजर आ रही है, इस तरह गुलाई में जा रहा है, और इधर भी गुलाई में जा रहा है, और ये जो है ये बहुत ही मैसिव फ्लैग है, बहुत, आप देख रहे हैं परिंदे उड़ रहे हैं आसपास, कैसे चीते चीने लग रहे हैं, बहुत ही मैसिव फ्लैग है, वाह। तो भाई यहाँ पे इनर सर्कल ख़त्म हो रहा है, जहाँ से बेसिकली हमने शुरू किया था, हाँ पालिका बाजार है, एक छोटा सा ट्रिप वहाँ भी कर लेते हैं, तो भाई पालिका इसके बाद करेंगे, क्या बात। अच्छा अभी उम्मीद है आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा, ट्रिप पसंद आया होगा, मुझे तो यार ये मार्केट बहुत ही पसंद आई है, जो सीपी है कैनॉट प्लेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। सैर हो गई, पूरा एक सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया इनर, इसमें मिडल सर्कल भी है, आउटर सर्कल भी है, अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा दिन यहाँ पे लगा दें। इट वॉज रियली गुड, तो ऐसे ही प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, मोशी भाई को लाइक करते रहें, चैनल को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आज मोशी भाई का जो दिन था वो था सिर्फ घूमने पे, अभी तक चाय रखी हुई है, वो 12-13 मिनट में वीडियो देख ली है, पी लो ठंडी करके, जरूर भी नहीं है, मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, शरबत तो बन गई है, नहीं शरबत बन गई, मैंने कही कुछ लोग ठंडी पीते हैं करके, गर्म चाय नहीं पीते, मुझे वैसे गर्म गर्म फुल गर्म आने का, जहाँ से गुजरे एक दफा पता तो लगे चाय जा रही है, चाय मुझे नॉर्मल सी पसंद है, तू तो नॉर्मल ऐ पाए ना, आपने पी लिए सबने पी लिए, नीचे रख दो फिर उसी में से जाके रखे हैं जी। अच्छा चलें अभी, वैसे दिल्ली की ये जो मार्केट है स्ट्रीट है काफी बढ़िया है ना, बिल्कुल ब्लॉक बने हुए इसके, ये भी सुबह का टाइम है, एफ ब्लॉक तक है, पांव रखने की जगह नहीं होती, हाँ और काफी मतलब, और जो छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं वो जबरदस्त है, और एक चीज ये है कि इन्होंने ये जो रिकॉर्डिंग की हुई है व्लॉग की, ये कहीं विंटर में की है, सर्दी, हाँ सर्दी अच्छी खासी होगी, हर बंदे ने सभी ने स्वेटर्स पहने हुए हैं, मतलब के बहुत व्लॉग पड़े हैं अभी, मतलब के हम मटेरियल मौशी भाई के पास 2-3 महीने का डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था ना कि आज उनका अगर व्लॉग आया तो आप ये ना समझो कि वो आज आया, वो मतलब हो सकता है उन्होंने कितने देर पहले जो है वो किया हुआ हो, और उनके पास डाटा जो है पड़ा, अभी वो पता नहीं कहाँ पे है, हाँ तो चले बाकी जी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।